हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं एक काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी बनाऊंगा किड से रिलेटेड, जो कि काफ़ी कलरफुल होगी और काफ़ी अट्रैक्टिव भी होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक रफ आउटलाइनिंग कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक हाउस बनाया हुआ है, हट टाइप हाउस है, सॉरी हट ही है ये। एंड यहाँ पर मैंने एक बीच में मून बनाया हुआ है। एंड ये अब मैं यहाँ पर कलर जो यूज़ कर रहा हूँ, और आपको ये प्रॉपर आउटलाइनिंग करनी है। एंड जो मैं यहाँ पर कलर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर अभी लाइट ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ। देन इसके ऊपर मैं लेयरिंग अभी करूँगा। एंड ये जो हमारा ये मून है, इसमें मैंने हल्की सी जो हमारा येलो कलर है इसकी शेड दे दी है। देन उसकी जो एजेस है वहाँ पर मैंने यहाँ पर पर्पल कलर का यूज़ किया था। एंड देन फाइनली मैंने अब पूरे ब्लू के ऊपर एक कोबाल्ट ब्लू कलर, थोड़ा उससे डार्क शेड चला दिया है। कलर नोट कर लीजिए, मैंने बाद में कोबाल्ट ब्लू कलर का यूज़ किया था। एंड देन आप मर्ज करेंगे फिर इन कलर्स को। चाहे तो आप फिंगर यूज़ कर सकते हैं, पर फिंगर से थोड़ा, मैंने जब यूज़ करके देखा था तो वैसे तो जनरली मैं फिंगर से ही जो हमारे कलर्स उनको ब्लेंड करता हूँ, बट इस केस में मेरे को जो एक टेक्सचर चाहिए था वो बिल्कुल स्मूथ चाहिए था। एंड वैक्स मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए था, तो फिंगर से वो वैक्स प्रोड्यूस हो रहा था, पर जब मैंने टिश्यू पेपर से उससे यूज़ करके बनाया तो वो जो वैक्स था वो ख़त्म हो गया था। सो इसलिए मैंने यहाँ पर अब टिश्यू पेपर यूज़ किया। देखिए काफ़ी अच्छे से जो वैक्स है वो ख़त्म हो चुका है। एंड देन एजेस पे आपको बार बार जो कंसिस्टेंटली आपको जो कलर्स है वो चलाने होंगे एजेस पे। यहाँ पर अभी हम पर्पल कलर का भी यूज़ करेंगे ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट आए। और यहाँ पर जो एजेस है, जो हमारे मून के जो बॉर्डर्स है, उन पे मैं येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक अच्छी सी आउटलाइनिंग आ जाए। देन यहाँ पर मैं पर्शियन ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक थोड़ी सी डार्क शेड आ जाए। इसको आप फिंगर से भी मर्ज कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अच्छे से मर्ज करना है और वैक्स नहीं चाहिए, सो आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो टिश्यू पेपर भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। देन यहाँ पर मैं बॉर्डर्स पे पर्पल कलर का यूज़ कर रहा हूँ। सो पर्पल कलर चलाकर एंड देन नीचे भी मैं थोड़ा सा पर्पल कलर चला रहा हूँ एंड टिश्यू पेपर से उसको वापस से मर्ज कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी जो लुक है, और मून के जो साइड आउटर एजेस में जो स्फीयर है यहाँ पर एक अच्छी सी लुक आ रही है। एंड देन वापस से मैंने यहाँ पर पर्शियन ब्लू कलर का यूज़ कर लिया है। देन फाइनली वी कम्स टू क्लाउड्स। सो क्लाउड्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे? क्लाउड्स आप एक वाइट कलर लेना, और वाइट कलर से आप बस एक राउंड राउंड एक कर्व करते जाना। सो एक क्लाउड्स की जो अच्छी सी फॉर्मेशन है वो हो जाएगी यहाँ पर। एंड देन इसको आप हाईलाइट्स के लिए बाद में पेंटिंग कलर से भी थोड़ा आप वाइट हाईलाइट्स डाल सकते हैं। देन यहाँ पर मैं थोड़े बहुत स्टार्स लगा रहा हूँ बाय यूजिंग जेली रोल पेन। अगर बच्चों के पास तो ये होगा नहीं, सो आप पेंटिंग कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सो इसलिए लास्ट में मैं थोड़ा सा पेंटिंग कलर से भी करके दिखा दूंगा जो हमारे स्टार्स है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम आ गए यहाँ वाटर पर। सो वाटर के लिए आपको बैकग्राउंड से थोड़ा, जो आपका बैकग्राउंड है उससे थोड़ा सा डार्क शेड लेनी पड़ेगी वाटर का, क्योंकि एक अलग से शेड दिखनी चाहिए और थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए इनमें। सो इसलिए यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर वाइट कलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन सबसे बेसिक जो लेयर थी वो मैंने पर्शियन ब्लू कलर का यूज़ किया था, जो सबसे डार्क था इनमें कलर्स में, ब्लू में। देन ये हमारा वाटर होने के बाद हम लोग आते हैं हट पे। तो हट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है। एंड एजेस के लिए मैं यहाँ पर कलर पेंसिल का यूज़ करूँगा, ब्लैक कलर पेंसिल का, ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाए और जो हमारी लाइनें हैं, जो हमारी यू नो एजेस है, वो थोड़ी अनइवन सी ना लगे। क्योंकि अगर आप अगर आप ऑयल पेस्टल कलर का यूज़ करेंगे एजेस पर, सो वो काफ़ी अनइवन लगेगा, यानी ये वो थोड़ा सा स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है जो कलर है। सो इसलिए यहाँ पर हम फाइनर लाइन्स के लिए हम लोग कलर पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। सो कलर पेंसिल भी एक काफ़ी अच्छा सब्सटीट्यूट है, अगर आप सब्सटीट्यूट नहीं, ये हमारा एक प्रॉपर शेडिंग देने के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। देन यहाँ पर मैं ग्रे कलर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट आए। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ वापस से। एंड देन ऊपर मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ ऊपर भी अगेन। एंड देन वापस से कलर पेंसिल से इसके जो बॉर्डर्स हैं उनको फाइनर करेंगे। सो देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक सा लुक आ जाता है। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ एंड उसके बॉर्डर्स पे ऑरेंज कलर मैं चला रहा हूँ। और ये जो हम लोग इसको विंडो बनाएंगे, सो विंडो को एक काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक लुक देना है। एजेस पे हम लोग ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे, एंड जो विंडोज़ है वो थोड़ी ओपनड लगती है, सो इसलिए हम लोग एक अलग सा पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर अभी हम लोग ब्लैक कलर चला रहे हैं एंड देन उसके बाद हम लोग ग्रे कलर इसके बीच में चला देंगे जितना भी एरिया है। सो देखिए जो विंडोज़ है वो अब ऐसी लग रही है कि ओपनड है। किड्स ज़रूर ट्राई करें इस ड्राइंग को, क्योंकि काफ़ी अच्छी लगती है ये ड्राइंग। और इस वीक मैं सिर्फ किड्स से रिलेटेड ये ड्राइंग बनाऊंगा, क्योंकि
आप जैसे जानते हैं कि लॉकडाउन लग चुका है हरियाणा में, सो किड्स जो है वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो टेक्नोलॉजी में भी गेम वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, तो इंस्टेड उसके हम लोग अगर थोड़ी उनके स्किल्स डेवलप कर पाए, सो इसलिए मैं किड्स के लिए ये ड्राइंग्स बना रहा हूँ ताकि उनके टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनकी जो स्किल्स है वो भी डेवलप हो और थोड़ा वो वर्क भी करना सीख जाए, किस तरीके से जो ड्राइंग्स है वो कर सकते हैं। सो किड्स ज़रूर ट्राई करें और काफ़ी सुंदर भी लगती है ड्राइंग। सो यहाँ पर हम लोग येलो कलर का जो यूज़ है वो कर रहे हैं। देन एजेस पे मैं अगेन ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। वो ब्लैक कलर का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप देखते हैं घर के जो हमारे छत के जो ऊपर कॉनिकल शेप होती है उससे थोड़ी सी लाइट की शेड पड़ती है, डार्क रीजन, सो यहाँ पर हमें डार्क रीजन करना होगा। देन नीचे वाले हट पे हम लोग मूव ऑन टू कर गए हैं एंड यहाँ पर भी मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। बच्चों के पास ग्रेड्स की पेंसिल तो यूजुअली होती नहीं है, सो इसलिए यहाँ पर मैंने कलर पेंसिल का यूज़ कर दिया है। अगर आपके पास हाई ग्रेड की पेंसिल्स हैं, अगर कलर्स नहीं है हाई ग्रेड की पेंसिल से, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप स्टेडलर की 8B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। बट मेरे पास कलर थे तो मैंने कलर भी कर लिया, मेरे पास पेंसिल थी तो मैं पेंसिल भी कर सकता था, पर मैंने कलर ही कर लिया। देन थोड़ी सी एक शाइन के लिए हम लोग एजिस पर यहाँ पर वाइट जेल रोल पेन हमने चलाया यहाँ पर, एंड देन अगेन वही प्रोसीजर हम लोग जो विंडो है वो बनाएंगे, विंडो ड्रॉ करेंगे ब्लैक कलर के साथ एंड येलो और ऑरेंज कलर के साथ, सेम प्रोसीजर रहता है हमारा। सो ये जो आर्ट वर्क है ये काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं और काफ़ी सुंदर भी लगते हैं, देख सकते हैं आप जो सीनरी है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। अगर कोई हमारे इस चैनल पे नया है सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें अगर कोई नया व्यूअर्स है, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं, लगभग मैंने सभी चीज़ों के बारे में बता रखा है, अपनी आर्ट सप्लाइज के बारे में बता रखा है मैंने एंड सब सारे ट्रिक्स बता रखे हैं मैंने कि क्या क्या किस किस तरीके से मैं जो आर्ट वर्क है मैं ड्रॉ करता हूँ। सो मेरी पुरानी वीडियोज़ ज़रूर देखें अगर कोई नया व्यूअर्स है और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं इसमें हर वीकली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ, जो कि काफ़ी बहुत अट्रैक्टिव भी होती है। सो अभी हम लोग अगेन यहाँ पर अभी तक हम लोग विंडोज़ कर रहे थे एंड देन अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा वुडन गेट है वो कर रहे हैं। सो वुडन गेट में भी जो हमारा एक लैम्प टाइप लाइट है वो भी है, सो इसलिए यहाँ पर हम लोग पहले ऑरेंज और येलो कलर से एक हाईलाइट डालेंगे लाइट की, एंड देन यहाँ पर मैंने कलर यूज़ किया है लाइट ब्राउन कलर का, एंड देन एजेस पे मैंने डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है, एंड फाइनली यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ एक थोड़ी सी रियलिस्टिक लुक देने के लिए, ताकि जो गेट वगैरह के हैंडल्स वगैरह होते हैं और जो एजेस होते हैं वो डार्क होते हैं उस चीज़ के लिए। सो देखिए जो गेट है वो अब काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, लग भी रहा है कि लाइट जल रही है गेट के ऊपर, यानी कि एक लैम्प टाइप टंगा हुआ है, एंड देन यहाँ पर मैं ग्रे कलर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक जो हमारा जो वॉल्स है वो हमारी ग्रे कलर की होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रे कलर का यूज़ किया है, एंड देन एजेस के लिए भी मैं हल्का हल्का से यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक रियलिस्टिक इफेक्ट आ जाए। आप कलर ज़रूर अच्छे से नोटिस करें, मैं सारे कलर से डिक्टेट कर रहा हूँ कि कौन से कलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। देन यहाँ पर हम लोग स्टेयर्स के लिए यहाँ पर हम लोग अभी सबसे पहले इनिशियल जो लेयर कर रहे हैं वो हम येलो कलर से कर रहे हैं, सॉरी येलो कलर से हम लोग ये इनिशियल लेयर दे रहे हैं, एंड देन उसके एजेस पे हम थोड़ा थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी चला रहे हैं। देन यहाँ पर हम मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइट ब्राउन कलर का, एंड देन फिर इसको हम लोग मर्ज अप कर देंगे, एंड फाइनली फिर हम लोग यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे ताकि एक अच्छी सी और रियलिस्टिक सी लुक आ जाए। सो यहाँ पर हम लोग डार्क ब्राउन कलर का यूज़ कर रहे हैं, सो अब ये काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी सुंदर सी एक जो ड्राइंग है वो अभी से बहुत सुंदर लग रही है, पर जब कंप्लीट हो जाएगी तो काफ़ी और भी बहुत सुंदर लगेगी। सो अब हम लोग यहाँ पर रॉक्स बना रहे हैं। सो रॉक्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी इनिशियल जो लेयर है वो ब्लैक कलर की कर रहा हूँ, एंड देन उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैं ब्राउन कलर डार्क ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग अभी बनाएंगे काफ़ी सारी बुशेस एंड ग्रासेस बनाएंगे एंड फ्लावर्स भी बनाएंगे, ब्लूमिंग फ्लावर्स, सो काफ़ी रंग बिरंगे जो हम फ्लावर्स है वो बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम लोग बुशेस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी ऑयल पेस्टल से ब्रशेस बनाने की जो कोशिश की, पर उतने ज़्यादा जो कलर्स है वो ब्लूम नहीं हुए, यानी कि अच्छे से खिल कर नहीं आए वो कलर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पेंटिंग कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एट दी एंड हम लोग पेंटिंग कलर्स का थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे ताकि जो हमारे कलर्स है वो काफ़ी शाइनी लगे। एंड देन यहाँ पर हम लोग एक और रोप बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा सा रोप। यहाँ पर और भी रोप बना रहे हैं हम। देन यहाँ पर मैं पर्पल कलर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो पर्पल फ्लावर्स और बुशीज है वो ड्रो कर सकूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर वॉयलेट कलर का यूज़ किया है। देन यहाँ पर मैं अब ग्रीन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आपको कलर काफ़ी अच्छे से नोटिस करने हैं क्योंकि अलग अलग कलर्स और अलग अलग कलर्स की बुशेज में बना रहा हूँ यहाँ पर, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। सो आपको कलर्स काफ़ी अच्छे से नोटिस करने हैं। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मैं यहाँ पर प्राइमरी रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ। देन मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। एंड अगेन मैं येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ नीचे वाली बुशेज को बनाने के लिए। देन मैं ग्रीन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और ग्रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो डार्क ग्रीन है वो मैंने डार्क ग्रीन ही लिया है। एंड देन इसके बाद मैं एक और शेड लेता हूँ ताकि एक रियलिस्टिक लुक आए, वो होता है मेरा लाइट ग्रीन कलर। एंड देन मैं येलो कलर का यूज़ करता हूँ ताकि एक रियलिस्टिक लुक आए। सो इसलिए आपको वो चीज़ नोटिस करनी है। देन अब हम लोग फाइनली यहाँ पर पेंटिंग कलर लेकर आ गए हैं ताकि जो हमारे कलर्स है वो काफ़ी रियलिस्टिक से लगे। देन पेंटिंग कलर्स आपको ब्लू मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू के साथ थोड़ा वाइट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो कलर है वो काफ़ी रियलिस्टिक आए। देन यहाँ पर मैंने बिल्कुल लाइट ब्लू कलर से एक बुशेस बना दिए, ग्रासेस बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। येलो कलर से मैं बुशेस बना रहा हूँ। पेंटिंग कलर से आपको बस राउंड राउंड जो शेड है वो कर देनी है। तो देख सकते हैं अब ये जो हमारी आर्ट वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही है। तो इसलिए आपको ड्राइंग जो है वो काफ़ी, अगर आप बिल्कुल मन से करेंगे तो जो आपकी आर्ट वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगते हैं। और इस ड्राइंग को ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी बहुत अच्छी और बहुत सुंदर लगती है ये वाली जो ड्राइंग है बनने के बाद। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और नीचे कमेंट में लिखें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसे ड्रॉ करके। कमेंट बॉक्स में आप वो भी लिख सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए कि मैं इस चीज़ के ऊपर ड्राइंग बनाऊँ। अभी तो फिलहाल ये जो हमारा वीक होगा ये किड्स वीक होगा, मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैं इसमें किड्स से रिलेटेड ही ड्राइंग करने वाला हूँ इस लॉकडाउन के दौरान। तो इसलिए अभी तो मैं किड्स के रिलेटेड ही ड्राइंग करूँगा। और अगर आपको किड्स से रिलेटेड में कुछ ट्यूटोरियल चाहिए कि जिसकी वजह से मैं आपको बता सकूँ, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें मुझे। देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्स बना दिए थे वाइट कलर से, पेंटिंग कलर से। देन यहाँ पर हम अगेन पेंटिंग कलर का यूज़ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा ताकि जो कलर से वो थोड़ी ब्लूम हो जाए, थोड़ी सी अच्छे से लगे, रियलिस्टिक भी लगे। देखिए अब काफ़ी सुंदर लग रही है ड्राइंग बनने के बाद। आपको बस थोड़ी थोड़ी सी हाईलाइट्स और डालनी है। यहाँ पर हमें वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा ताकि जो मोर हाइलाइट्स है वो भी अच्छे से दिखे, तो काफ़ी रियलिस्टिक सा लुक आता है इनसे। देन यहाँ पर मैं अब वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। देन हम लोग अब जो हमारी नेमिंग के बाद अब हम लोग जो टेप वगैरह वो हटा देंगे, सो नेम आप ज़रूर लिखे अपने ड्राइंग पे। नेमिंग के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जेली रोल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। देन यहाँ से मैंने जो मास्किंग टेप को हटा दिया। सो देख